हम बात कर रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटी मोटी गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक 30.16 रुपीज़ पर फिलहाल हमको ट्रेड करता नज़र आ रहा है। स्टॉक एक रेंज में सस्टेन हो रहा है। गिरावट के बाद हम देख सकते जंप आ रहा है तो ऑलमोस्ट 32 तक का स्टॉक जंप दिखा रहा है, वहाँ से रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। लेकिन रिजेक्शन के साथ देख सकते 29 का जो लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, नीचे की ओर ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। मल्टीपल स्टैम्प 29 के लेवल पर सपोर्ट लेता हमको सुबेक्स नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप स्टॉक का खेल पलट सकता है, इस रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक दिखा सकता है। क्योंकि स्टॉक 29 का लेवल ब्रेक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, अगर गिरावट आनी होती तो कहीं ना कहीं स्टॉक ब्रेक डाउन कर जाता और हमको और गिरावट देखने के लिए मिलती। लेकिन स्टॉक ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, अगर ब्रेक डाउन कर जाता है 29 के सपोर्ट को तो वैसी कंडीशन में फिर बड़ी गिरावट दिखा सकता है, 24 से लेके फिर 20 तक का भी फॉल सुबेक्स दिखा सकता है, लेकिन चांस बनेंगे अप ट्रेंड के। तो यहाँ से जंप आता है तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं चार्ट पैटर्न पे 32 के लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रहा है, लेकिन इसके साथ बड़ी गिरावट नहीं आ रही तो ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। इमीडिएट टारगेट रहेगा पहला टारगेट अपना 32 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो देख सकते हैं फिर इससे पहले कहाँ रिजेक्शन फेस किया था स्टॉक ने, 34 का लेवल ये अपना सेकेंड टारगेट रहेगा 34 का लेवल, और 34 के ब्रेकआउट के बाद इस हाई का भी ब्रेकआउट करता स्टॉक नज़र आ सकता है, फिर 38 से लेके 40 तक का जंप सुबेक्स में देखने के लिए मिल सकता है। सुबेक्स हमको 40 तक के भी फिर टारगेट दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।